जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, द स्नेक सेवर गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द स्नेक सेवर गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आती रहे। फेसबुक पर सर्प मित्र गुड्डू भैया को आप सभी फॉलो करें। तो साथियों, जीव जंतुओं को बचाने के अपने अभियान के अंतर्गत हम आए हुए हैं। बरेली से लगभग 9 किलोमीटर पूर्व ये उड़ला गौटिया है। तो ये देख सकते हैं, चारों ओर से दिखाइएगा, इस मकान के बाहर दूर दूर तक खेतों का, जंगल का वातावरण है, ईंट के भट्टे हैं और ये पीछे इधर पानी भरा रहता है। यहीं पर ये क्या नाम भैया का, शिव कुमार जी का ये घर है। तो ये पीछे ये बगीचा है, उसमें थोड़ा रोड़े पत्थर का ढेर है। तो यहाँ पर ये भैया लोगों ने ये सांप देखा था, उसको खोजने की कोशिश करी, ये रोड़ा पत्थर हटाया है। तो इसमें तो कोई सांप नहीं निकला, लेकिन ये लास्ट में ये थोड़ा सा रोड़ा बचा है, इसमें सांप इन्होंने देख लिया घुसते हुए, तभी इन्होंने मुझे कॉल करा है। तो साथियों, देखते हैं वास्तव में कौन सा सांप है। उसके लिए पूरे रोमांच के साथ आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, यहाँ पर दो सांप हैं, तो थोड़ी सी तैयारी पूरी कर लेते हैं क्योंकि मौका नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं साथियों, छछुंदर और चूहे की भिटार ऐसी लग रही थी यहाँ पर। ये मलबे में कुछ सामान, ये देख सकते हैं साथियों, भारत का सबसे तेज धावक सांप, उसको धामन, घोड़ा पछाड़ इत्यादि नामों से जानते हैं, यानी कि रेड स्नेक। और इसको गांव देहात की भाषा में पगड़िया भी बोलते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये दो धामन सांप हैं और एक ये खूबसूरत मादा धामन और एक ये नर धामन सांप, ये जोड़ा है एक प्रकार से कह सकते हैं साथियों। ये बहुत ही खूबसूरत जोड़ा धामन सांप का ये मैंने शिव कुमार भैया के यहाँ से पकड़ लिया है। शिव कुमार नाम है ना, तो देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत धामन सांप का जोड़ा। ये साथियों, ये मादा है और ये नर है। वीडियो कट कर दिया क्या? तो देख सकते हैं साथियों, ये खूबसूरत मादा और नर धामन सांप का खूबसूरत जोड़ा। तो हो सकता है बहुत से लोग ये कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि इसमें खूबसूरती क्या है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, ईश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति में सभी चीज़ खूबसूरत है, बस उसकी खूबसूरती को रखने का नज़रिया होना चाहिए। और वैसे भी ये बेजवान जीव हमारे प्रकृति के रक्षक हैं, पर्यावरण के रक्षक हैं। पेड़ों पर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसलिए ये वास्तव में खूबसूरत हैं। और साथियों, इसके बारे में किंवदंती प्रचलित है कि इसकी पूंछ में जहरीला कांटा होता है, ये मार दे तो सड़ने लगता है। आप लोग छू के देख सकते हैं, इसके कोई भी जहरीला कांटा नहीं है। और इसके बारे में एक किंवदंती ये भी प्रचलित है कि हमारे दूध वाले जानवरों का थन को चूस करके दूध पी लेता, ऐसा भी नहीं। जब ये घास के मैदानों का सांप है और ये जब घास के मैदानों में विचरण कर रहा होता है, उसी समय हमारे पशु का इसके ऊपर जब पैर पड़ता है, तो ये उसको पैरों को लॉक करके जो लटकते हुए थन है उसको चूहा समझ करके खाता है। और जब इसको लगता है कि ये भूल होती है कि ये चूहा नहीं है, किसी कोई और चीज़ है, तो उन्होंने छोड़ के चला जाता है। तो साथी, ये इसको कभी मारे नहीं और कहीं भी, चूँकि साथी ये बिना जहर वाला सांप है, इसके केवल काटने बाद दहशत में मौत होती है। लेकिन अगर कहीं भी कॉमन करे थे या कोबरा जैसे विषैले सांप के द्वारा कोई सर्पदंश की दुर्घटना होती, तो आप किसी भी झाड़ फूँक ओझा गुनिया तांत्रिक के चक्कर में पड़े बिना देर करें अपने मरीज़ को लेकर सीधे जिला अस्पताल जाएँ और अपने मरीज़ की जान बचाएं, जहाँ का डॉक्टर आपके मरीज़ की जान बचाता है कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके। जैसे कि मेरे साथ PSC 8वीं वाहिनी के पास एक मंदिर के पास जो ईंटों का चट्टा था, उसमें दबे हुए कोबरा को बचाते समय मेरे को बहुत अच्छी खासी बाइट हो गई थी। तो मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ जिला अस्पताल में, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने मेरी जान बचाई थी। डॉक्टर AK सिंह जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी जान को बचाया। और वहाँ के समस्त मेडिकल स्टाफ को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मेरा हौसला नहीं टूटने दिया। तो ठीक है साथियों, देर ना लगाते हुए इसको पकड़ते हैं, पकड़ लिया है, इसको पैक करते हैं। चूँकि अब जोड़ा है, एक साथ है, तो अलग अलग नहीं पैक करेंगे, वरना अधिकतर
हम अलग अलग पैक करते हैं। और आज का उत्साही हुआ वर्ग मेरी वीडियो को बिल्कुल भी कॉपी ना करे, क्योंकि साथियों जिस समय हम इन बेजुबान जानवरों को पैक करते हैं उसी समय बाइट का खतरा पूरा बना रहता है। क्योंकि मेरे साथ भी जो काटने की दुर्घटना हुई थी वो इसको पैक करने के दौरान ही हुई थी। तो भैया आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? सुरक्षित? ठीक है। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए और इस खूबसूरत रेड स्नेक के खूबसूरत जोड़े को पर्यावरण में छोड़ते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम।